संवाददाता नरेंद्र प्रताप ने खास बातचीत की है, उनका क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। एक तरफ परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और वो बता रहा है कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो ये रोकने में अक्षम साबित हो रहा है कि यहाँ पर जो पंचायतें हैं वो आखिर कैसे जारी हैं। संदीप भाई, आपका जो एक इशू था सिक्योरिटी को लेकर, आपको क्या लगता है कि पंचायतें जारी हैं, दूसरी तरफ धारा 144 लागू हुआ है, यहाँ आने से लोग जो हैं वो सीमित किए जा रहे हैं, लेकिन पंचायतें किस तरीके जा रही हैं? पंचायतें चल रही हैं, अब पता नहीं किस तरीके की पंचायत चल रही हैं। वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, अब पता नहीं कैसी लगी हुई है धारा 144। डर किस तरीके का है आपको अपना और अपने परिवार का, क्योंकि अभी तो आप घर में हैं लेकिन जब मूवमेंट बाहर होगा तब किस तरह के खतरे हैं? बिल्कुल खतरे तो है ही है, अभी तो पुलिस है, मीडिया है, उसके बाद चले जाएंगे ये लोग तो आगे डर ही रहेगा। जैसे हमारी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार कराया तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कहीं ऐसे ही ना करें। उम्मीद है, कुछ बची हुई उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीदें तो अब कुछ नहीं है बची हुई, जो उम्मीदें थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। सुबह जो यहाँ जुडिशली के लोग आए थे उनसे आपकी क्या बातचीत हुई है, किस तरह के आश्वासन उन्होंने दिए हैं आपको? आश्वासन तो उन्होंने कुछ नहीं दिए, बस ये कह के चले गए कि मतलब जो कोर्ट के लिए कह गए कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, लखनऊ के लिए बता रहे थे वो जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने जो सो मोटर लिया है उसका हियरिंग है? हाँ, वहाँ के लिए बता रहे हैं कि आपके न्याय के लिए वहाँ पे आपको बुलाया है। कौन कौन लोग को वहाँ जाना है अभी पता नहीं, देखो कौन कौन लोग जाएंगे। इंतजाम क्या, सिक्योरिटी को लेकर कोई इंतजाम किया गया? हाँ, वो बता रहे थे कि आपकी सिक्योरिटी के लिए भी इंतजाम हम लोग करेंगे और आपका रहने का भी वहाँ पे व्यवस्था करेंगे, साथ ले जाएंगे लाएंगे। अब गांव में एक अंतिम सवाल ये है कि गांव में क्या आपको डर है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और डर तो बना हुआ है बरकरार ऐसे ही, अब आगे कुछ कह नहीं सकते कि क्या हमारे साथ हो सकता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बूलगढ़ी गाँव, हाथरस। लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली